ओ भाई मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ दो बुकिंग जो ऐसी थी ना जो कि है ना तीन बार मुझे रिपीट के रिपीट आके गई। जो अपने नसीब में होता है ना भाई वो अपने को मिलता ही है। हेलो एवरीवन, तो भाई मैं हूँ अभी नेरुल में, बज रहे हैं 6 और भाई 4 बजे मैंने करेक्ट लॉगिन कर दिया था। 4 बजे जो है ना वो मुझे जैसे ही मैंने ऐप ऑन किया तुरंत ही जो है ना ट्रिप मिली मुझे बांद्रा वेस्ट की, और वहाँ से जैसे ही मैंने वहाँ पे कस्टमर को ड्रॉप किया रिक्लेमेशन के यहाँ पे जो MSRDA का ऑफिस है गेट के अंदर कस्टमर को ड्रॉप किया, और जैसे ही बाहर आ रहा था गेट पे ही जो है ना एक कस्टमर खड़े थे तो MH 43 देखा तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई नेरुल चलेंगे क्या। तो भाई मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ, बोला जो भी ऐप में दिखा रहा है वो फेयर दे देना। तो 468 दिखा रहा था भाई, 50 मिनट लगा मुझे नेरुल पहुंचने के लिए MIDC यहाँ पे। तो मैंने अभी यहाँ पे कस्टमर को ड्रॉप किया है और ऐप दोनों भी ऑन कर दिया है, देखते हैं कहाँ की ट्रिप मिलती है। और जो मैंने ड्रॉप किया था कस्टमर को बेलापुर से बांद्रा में उसके लिए 1 घंटा लग गया मुझे और 382 रुपीज़ मिला है 30 किलोमीटर का, टोल अलग से है। और अभी देखते हैं यहाँ से जो है ना कहाँ की ट्रिप मिलती है, एयरपोर्ट साइड में जाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं था नेरुल में, बुकिंग पे बुकिंग भाई, एक दो बुकिंग जो ऐसी थी ना जो कि है ना तीन बार मुझे रिपीट के रिपीट आके गई, कोई नहीं रिसीव कर रहा था। उसमें से एक थी जो थी क्रॉफर्ड मार्केट के यहाँ की थी और एक थी बदलापुर की भाई, रिपीट 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 करके 3 बार आई, किसी ने नहीं उठाया। उसके बाद एक मुझे खारघर की ट्रिप आई, जस्ट अभी खारघर पहुँचा हूँ, 6:45 होने आए और भाई 178 मिला है 12 किलोमीटर का और 20 मिनट लग गया मुझे। अभी खारघर से देखता हूँ, अभी यहाँ पे जहाँ पे ड्रॉप किया ना वहीं पे जस्ट मैं रुका हूँ, कहाँ की ट्रिप मिलती है देखते हैं, वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर, और अगर नहीं मिलती है तो थोड़ा मैं हाईवे की तरफ चले जाऊँगा। उबर और ओला में घूम पड़ा है मेरा भाई, वेस्ट जाता, उससे अच्छा मैंने जो है ना Terminal 2 का लोकेशन डाल दिया उबर में। तो एक ट्रिप आ गई है मुझे छेड़ा नगर की भाई, 2 मिनट बता रहा है पिकअप लोकेशन, पहुंच रहा हूं और फिर छेड़ा नगर से देखते हैं कहां पे जाते हैं। अगर बैक टू बैक आ गई ट्रिप तो ठीक है, वरना BKC की तरफ निकल लूँगा। मैं अभी पहुंचा हूं वडाला भाई, खारघर से मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया छेड़ा नगर, फिर वहां से मुझे चेंबूर से ट्रिप मिली भक्ति पार्क की, 6 किलोमीटर की, 106 रुपये मिला उसमें। भक्ति पार्क से मैं BKC की तरफ जा रहा था कि ओला में एक ट्रिप आ गई अंधेरी ईस्ट मरोल की, 1.14 का सर्ज है। तो पिकअप लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं, ये है पिकअप लोकेशन भाई भक्ति पार्क, ये लोडा का बिल्डिंग है। ऊपर में मैंने लोकेशन डाला था गो होम का Terminal 2 का, तो अभी ये अंधेरी ईस्ट की वहाँ की ट्रिप मिल गई है, वहाँ पे ड्रॉप करके मैं जो है ना वो एयरपोर्ट पे चले जाऊँगा, देखता हूँ कितनी गाड़ी वेटिंग है वहाँ पे। मैं अभी आ चुका हूँ भाई Terminal 2 पे, CNG की लाइन में हूँ भाई, 9:30 और है और भाई CNG की लाइन में हूँ, 115 गाड़ी उबर में और 200 गाड़ी जो है ना ओला में वेटिंग में है। तो मैंने सोचा भाई CNG की लाइन में लग जाता हूँ, तब तक अपना नंबर भी आ जाएगा और CNG भी फिल हो जाएगा। वैसे है अभी 3 पॉइंट है CNG, बट फिर भी फुल करवा लेता हूँ, पता नहीं कहाँ की ट्रिप मिलेगी। अभी लेट हो चुका है, 12:45 होने आया है और भाई थोड़ा बुकिंग देख लेते भाई। वडाला से मैं जो है ना मरोल आया, उसका 280 रुपये मिला है और 12 किलोमीटर 53 मिनट्स लग गया। उसके बाद जो है ना यार मैंने CNG भरवाया और ओला में जो है ना बुकिंग मिली मुझे कोपर खेना, 1.36 का सर्च था, 1 घंटा 4 मिनट लगा और 567 मिला है 27 किलोमीटर का। उसके बाद जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया ना वहीं से बाजू की बिल्डिंग से ही मुझे बुकिंग मिली जो कि 25 किलोमीटर 253 मिला है और ये पनवेल रेलवे स्टेशन की थी। पनवेल रेलवे स्टेशन आके भाई काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक कोई ट्रिप मिली नहीं है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ से मैं चले जाता हूँ घर पे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और थोड़ा वेट कर रहा हूँ 1 बजे तक, 15 मिनट और है, देखते हैं अगर कोई ट्रिप मिलती है तो, नहीं तो चालू रख के गो लोकेशन सेट कर दिया है मैंने, घर की तरफ निकलता हूँ बेलापुर की तरफ, अगर बीच में कहीं ट्रिप मिल गई तो उसको एक्सेप्ट करके घर पे चले जाएंगे। और अर्निंग इतना हुआ है क्या है सब कुछ मैं बताता हूँ गाड़ी घर पे पार्क करने के बाद, कितने अर्निंग हुए, कितनी गाड़ी चली है, कितना CNG लगा। तो अभी के बज रहे 1:50, 2 बजने आए और
और मैं अभी हूँ नेरुल में, जा रहा हूँ सीएनजी पंप के यहाँ पे सीएनजी फिल कराने। भाई 3 पॉइंट कम हुआ है, देखते हैं कितने का बैठता है। और भाई एक बात बताता हूँ, जो अपने नसीब में होता है ना भाई, वो अपने को मिलता ही है। आप कुछ भी कर लो, कोई कुछ भी कर ले, भाई मैंने सोचा था कि मुझे है ना ट्रिप नहीं मिलेगी। 1:15 तक हो गया था पनवेल रेलवे स्टेशन में, वहाँ से मैं मूव हो गया सीएनजी पंप कामोटे के यहाँ पे जा रहा था। तो जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकला तो खांडेश्वर से, खांदा कॉलोनी से मुझे है ना ट्रिप मिली नेरुल की, भाई 1:30, मतलब इतनी रात को भी जो है ना वो ट्रिप मिल गई, खाली नहीं जाना पड़ा भाई। 210 रुपये मिला है मुझे, कुछ 15 किलोमीटर की ट्रिप थी। अच्छा डिसीजन था कि मैं वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रुक गया और जो है ना मुझे ये ट्रिप मिल गई। तो ये देखो भाई, ये सुबह का काम है जो भाई ने किया है 2839 उबर में, और 207 रुपये का टोल है, जिसमें 47 जो है ना वो खारगर जो तलोजा वाला रोड है ना वहाँ का है, मतलब 160 रुपये इसमें रिफंड मिला। उसका काम होता है 2999 का, और अपना जो काम हुआ है वो हुआ है 2886 का विथ टोल। मेरा भी आज जो है ना वो 160 रुपये टोल हुआ है, सुबह का जो है ना 160 रुपये टोल रिफंड हुआ है, और इवनिंग का भी जो है ना 160 रुपये टोल जो है ना वो रिफंड हुआ है। टोल का ही जो है ना सिर्फ 320 रुपये जो है ना अमाउंट आज रिफंड मिला है, और अपना तो टोल का पास है, तो भाई टोल के अमाउंट से ही जो है ना 6,000 से 7,000 रुपये आराम से निकल सकता है, एवरी मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई ये जो है ना वो टोटल 5885 का काम हुआ है, और उसमें से जो है ना भाई ने सुबह जो है ना वो 587 का जो है ना सीएनजी फिल करवाया है, उसको मैं माइनस कर रहा हूँ। मैं जब भी एयरपोर्ट पे था तभी मैंने वहाँ पे 468 का सीएनजी फिल किया, और अभी यहाँ पे जो है ना वो 280 रुपीस का जो है ना सीएनजी गया है। तो भाई साहब आज का जो प्रॉफिट है 4,550 रुपये का हुआ है। 4 बजे पहली ट्रिप मैंने ली थी और अभी बज रहे हैं 2:20, मतलब के 9 घंटा जो है ना वो भाई ने सुबह काम किया है और 9 घंटा जो है ना मैंने काम किया है अभी रात में इवनिंग में, तो टोटल जो है ना 18 घंटे का काम हुआ है, और 18 घंटे में भाई 4,550 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर दिया है भाई अपनी वैगन आर ने। डे बाई डे जो है ना वो प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, पहले जो है ना वो 3,800, फिर 4,000, 4,100, और आज 4,500 तक पहुंच चुके हैं। अब व्लॉग कैसा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देख के जा रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बताते रहूँगा भाई कैसे काम करना है, क्या करना है, तो सब कुछ जो है ना अपने ब्लॉग में मिलने वाला है आपको। तो भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए रूट के साथ, नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।